का देश बहुत अच्छा हमको लगा। हाँ। साफ सुथरा है। हाँ। किसी चीज का दिक्कत नहीं है। हाँ। यहाँ पर सब चीज का सुविधा है। उसके बाद ये जो मंदिर है। हाँ। बहुत सच्चा दरबार है, जो मांगो पूरा कर देते शिवाजी। अच्छा अच्छा, छांगनी भोलेनाथ देख लियो। छांगनी का मंदिर कहाँ से? यूपी से। अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया। हाँ। आप सोच सकते हो मेरा इंडियन रुपीज है ना खत्म हो गया था। कहाँ? काठमांडू से पीछे सिंधुली चढ़ाई है ना। हाँ। वहाँ पे मेरा इंडियन रुपीज खत्म हो गया। खत्म बिल्कुल, खत्म बिल्कुल। अभी आप कहाँ स्टे करोगे? आगे जाके, थोड़ा आगे जाके कहीं भी, मतलब डायरेक्ट इंडिया में निकलने वाले, इंडिया में जाने वाले हो? ये घर तो अभी नए घर बनाए। अभी ये क्या हो गया भाई इसको? तो अभी ये घर है ना, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप सीधा गिर जाओगे कुछ भी हो जाएगा। तो लिटरली आप सीधा वहाँ पर जो देख रहे हो, पानी देख रहे हो वहाँ पर, इधर यहाँ तक था अभी, तो यहाँ तक निकल जाएगा। मतलब इतना खतरनाक में घर बनाने का यार क्या फ़ायदा यार? इतना बड़ा घर कितना मेहनत करके बनाया होगा, तो ये भी तो सोचने की बात है ना। बस यही, मैं ज़्यादातर नहीं बैठूंगा। ए भाई आराम से, अभी यहाँ पर कुछ इंडियन भाई लोग हैं, उन लोग से बात करता हूँ, तो इन लोग क्या बोलते हैं जो भी है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ बोले, कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से हो? बलमपुर। कहाँ है, कौन से स्टेट? इंडिया। अरे इंडिया, आई नो इंडिया, मुझे पता है। यूपी। आप यूपी के हो? सब लोग यूपी से आए? पूजा करने। आप लोग भी कहाँ अभी आए हुए यूपी से? मतलब जितना भी सारे लोग यूपी से आए हो दर्शन, संग संग दर्शन के लिए? हर साल आते हो क्या? हर साल आते। अभी आप फिर कहाँ? वही यूपी जाने वाला हूँ। वहाँ से इतना दूर तक दर्शन करने आए? देखो गाइस, अब इन लोग इतना दूर दूर से प्रसिद्ध मंदिर है, क्या करते हैं आप? दर्शन करके जाते हैं वहाँ पर, आदमी को बताते हैं। अच्छा। प्रचार करते हैं। हाँ। कि माना जाना मंदिर यहाँ प्रसिद्ध हुआ है। हाँ। बोला छांगछंगनी मंदिर। पहले दो लोग आते थे। हाँ। अब चार लोग आए हैं। हाँ, अब छह लोग आए। हाँ। धीरे धीरे आते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। हाँ। और यहाँ का मंदिर जो है, सुविधा भी अच्छा है और मंदिर भी अच्छा है। यहाँ का मनोता अच्छा है, भोलेनाथ सबका मनोकामना पूरा करते हैं। साफ सफाई बनी रहा। अरे हिंदी में बोलो, आई नो हिंदी, मुझे हिंदी पता है। हाँ। ये मंदिर का देश बहुत अच्छा हमको लगा। हाँ। साफ सुथरा है। हाँ। किसी चीज का दिक्कत नहीं है। हाँ। यहाँ पर सब चीज का सुविधा है। उसके बाद ये जो मंदिर है। हाँ। बहुत सच्चा दरबार है, जो मांगो पूरा कर देते शिवाजी। अच्छा अच्छा, छांगनी भोलेनाथ बाबा। देख लियो छांगनी का मंदिर कहाँ से? यूपी से लोग आ रहे हैं। कहाँ बोला? बलरामपुर जिले से लोग आ रहे हैं यहाँ आकर दर्शन करने के लिए। भक्तजन महाशिवरात्रि के लिए हर साल आते हैं ना, हर साल महादेव शिवरात्रि के दिन में आते हैं लोग, आकर अपना दर्शन करते हैं, भगवान से जो कुछ मांगे वहाँ मिल जाता है, ये मतलब माना जाता है। ठीक है, आगे गाड़ी में चलो। अरे रुको, गाड़ी फाइनल, इधर गाड़ी रुक गया। गाड़ी में जैसे यहाँ पहुँच गया ना, पहुँचते गाड़ी मिल गई, ये बात बड़ी बात अच्छी बात होती है। चलो फाइनली गाड़ी में चढ़ जाते हैं, इन लोग भी निकल रहे गाड़ी में, अब मैं भी निकल लेता हूँ नेपाल के फ्लैग से। वालिंग जानी सर है आज ये तो मैंने यूट्यूब में देखा था, बट यहाँ पर इतना दूर से देखो यार, ऐसे पूरा मार्केट में यहाँ पर पूरा लगा रहे, पूरा शायद यहाँ पर उसका कुछ हो सकता है, तो मतलब YouTube चैनल का वीडियो बना रहा है, जैसे प्रमोशन जैसा हो गया है, तो कुछ अलग लेवल का। यहाँ पर है ना, एक बंदा क्या था कि जो मैं जब गाड़ी में चढ़ा था, तो गाड़ी में चढ़ते चढ़ते एक मतलब एक इंडिया का बंदा है, तो मतलब साइकिलिंग करके, लिटरली साइकिलिंग करके यहाँ पर पहुँच गया था। तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का हमें गाड़ियों का डिफरेंट हो गया होगा, मतलब वो शायद कुछ देर में उसके साथ थोड़ा बहुत बैग वगैरह वगैरह सारा चीज़ लेके चला होगा, टेंट वेंट वगैरह वगैरह लेके चला होगा। तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ी देर बैठ के उसको चेक करता हूँ कि यार ये क्या कर रहा है, कहीं वो यूट्यूबर तो नहीं है या क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए घूम रहे हैं, है ना, लोग बहुत अलग अलग तरीक़ा से घूम जाते हैं ना। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ और आई होप अगर आया तो मिला दूंगा आपको, अदरवाइज़ मैं देखता हूँ। ठीक है, अब यहीं पर इधर से आएगा, तो इधर से आते आप, इधर से इंडिया जाने का रास्ता है, तो होपफुली थोड़ी देर आया तो अच्छा बात है। रोड में खेलने के क्या चल रहा है डॉगी? किसका डब्बा उठा के भाग गया?
पर जो देख रहा हूँ साइकिलिंग थोड़ा आगे आगे देखो कि बैठ गया क्या वो जो लास्ट में वहाँ पर आ रहा है साइकिलिंग करके वो हो सकता है। हाँ, वही है जो आ रहा है साइकिलिंग करके। हाँ जो साइकिलिंग करके आ रहा है वो हो सकता है। हाँ आ गए यही है भाई, यही है। गुड, कुछ तो बंदा मिला। ए गुड भाई यार, आपका बहुत इंतजार किया मैंने। गुड थैंक यू। कहाँ से हो? इंडिया से, आई नो, मैं भी इंडिया से हूँ, है ना। तो मैं आप जब उधर से आया था ना, हाँ। आपको देखा थी फ्लैग लगा के देखा भाई, हाँ। तो मतलब आप वहाँ इंडिया से इधर तक पूरा आप फ्लैग, हाँ, में आ गए। 25 डेज पूरा नेपाल में, पूरा 25 डेज में नेपाल में अभी, हाँ। आप क्या यूट्यूब में आपको आपका, हाँ। क्या है आपका यूट्यूब नाम? अनिरुद्ध रोयल। यार आप वहाँ से इधर डेली मतलब 25 दिन खाने बैठने के लिए भाई का देखो गाइस, अभी भाई का पूरा कैंपिंग शैंपिंग के लिए सारा चल रहा है। तो समस्तीपुर बिहार टू ऑल ऑफ इंडिया माय ड्रीम राइड, सेव ट्री सेव सोल्ट वाटर सोइल वाटर यूट्यूब अनिरुद्ध रॉयल्स ब्लॉग्स, वेरी गुड भाई यार। तो मैंने है ना लिटरली मैं जब उधर से आ रहा था, हाँ। तो जब मैं उधर से आ रहा था तो रास्ता में आपको क्या है देखा, अच्छा क्या आपको देखने के बाद यार ये तो यार ब्लैक जब आपने लेके गया, मैं उधर से आ रहा था मतलब वो रास्ता में आपको देखा, तो मैं यहाँ जाके मैं वेट करूंगा कि भाई कम से कम आपको 10-15 मिनट वेट किया आप लोग, आपको तभी आपको क्या देखने को, उधर बंदे देख रहे थे क्या क्या वेट कर रहे थे, है ना। वैसे मैं इधर नेपाल, मैं है इधर ही हूँ, ज्यादातर क्या है मेरा इंडिया में रहता है, तो अभी मैं कभी कभी यहाँ पर उसके आता हूँ। सूरज खत्री का एक यूट्यूब चैनल है, थैंक यू सो मच। मुझे रोका और देन मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए, और इन्होंने मेरा वेट किया, उन्होंने मुझे रस्ते में देखा होगा शायद, और इन्होंने मुझे वेट किया और मुझे अच्छा लगा, और इन्होंने मेरा वीडियो शूट किया, और क्योंकि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है सूरज खत्री, तो आपको भी अगर अच्छा लगे तो एक बार आप देख सकते हैं, और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। ही इज़ वेरी नाइस पीपल, ही इज़ नाइस वेरी पर्सन, बहुत अच्छा लगा मुझे नेपाल में आने के बाद। और कुछ भाई कुछ बोल रहे हैं, सो गाइस ये भाई है ना, जब मैं उधर से आ रहा था, आज क्या है शिवरात्रि है, तो आज क्या है भाई उधर से जब आ रहा था तो मैंने कहा रास्ता में देख लिया, बट क्या मैं गाड़ी में था ना, क्या भाई जब फ्लैग लगा कर देखा तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 15-20 मिनट मैं यहाँ पर वेट किया, तो उसके बाद मैं भाई को एक बार देखा के जाता हूँ, है ना। अगर आप लोगों को, मैं भी सूरज खत्री ब्लॉग से हूँ, तो भाई लोग यार हेल्प करो, अगर कोई नेपाली पीपल हो तो कहीं भी होता है, तो भाई को कोई अगर कोई ज़रूरी पड़ता है, कोई अगर नीड होती है तो हेल्प ज़रूर कर देना। तो गुड भाई आप ऐसे करते रहो। हाँ नेपाल का अच्छा लोग अच्छे लगा, नेपाल के लोग बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उन्हीं की हेल्प की बदौलत मैं 25 डेज स्ट्रगल कर चुका नेपाल में। हाँ गुड, मेरे को अच्छे लगे। गुड गुड यार, नोमेन सुमन जैसे लग रहे भाई। डू यू नो नोमेन सर, नोमेन सुमन, शुभम नोमेन शुभम अदर कंट्री में भी जाता है ना, उसको देखा नहीं है। अपना ख्याल रखना, बाय 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 बाय। सो गाइस अभी इससे है ना मिलके बहुत मजा आया, क्योंकि ये भाई है ना मतलब नेपाल का मतलब ऑलमोस्ट इन 25 डेज यहाँ पर स्ट्रगल कर लिया, बहुत स्ट्रगल भी हो जाती है अदर कंट्री में जाने के बाद, स्ट्रगल ही हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया मतलब 25 दिन पूरा मतलब यहाँ पर स्टे हो चुका है। आप यहाँ से आगे लुम्बिनी जाएगा, लुम्बिनी जाने के बाद है ना बुद्ध का क्या है, बुद्ध का जन्म स्थल है, तो वहाँ पर जाएगा, मतलब कितना देर होल्ड करेगा, कितना दिन लगेगा, साइकिलिंग में चल रहे तो होती है ना, मतलब जो भी है भाई ने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। अगर भाई लोगों का अनुरोध रॉयल क्या यूट्यूब चैनल, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शो में कर दूंगा या लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप लोग भाई को सपोर्ट कर सकते हो और उसको सपोर्ट जरूर कीजिए। लेकिन भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जो वो देख के ना मेरे को अंदर से ही फील हो रही थी कि भाई यार कितना मतलब यार साइकिलिंग से इतना दूर घूम रहे हैं ना, ये भी तो एक बहुत एक स्ट्रगल की बात हो जाती है ना। चलो अब चल लेते हैं, क्योंकि मैंने वेट ऑलमोस्ट 25-26 मिनट तक वेट किया, तो तभी आया, मुझे तो डर लग रहा था देखिए आएगा नहीं, तो अब चलो अब तो बना रहे हैं अंदर ये, अच्छा ये क्यों चल रहा है, ये ओके ओके ओके